अच्छा अभी प्राणायाम हम करते हैं। कई प्राणायाम के कई ढंग हैं, कई तरीके हैं। आज तो हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करोगे आप? अंगूठे को दाहिने नासिका पर रखोगे और बाकी जो दो अंगुली है इसको दोनों भुवों के बीच में रखो। कौन सा? तर्जनी और मध्यमा को दोनों भुवों के बीच में। फिर जो छोटी उंगली और रिंग फिंगर है, जो अनामिका है, फिर उसको हम बाई नासिका पर रखते हैं। अच्छा हम ये तर्जनी और मध्यमा को दोनों भुवों के बीच में क्यों रखें? कोई तो कहते हैं अरे यहां क्यों रखते हैं, गड्ढा खोदना है। गड्ढा नहीं खोदना है, वो दोनों भुवों के बीच में रखते हैं जहां हमारी हमारा अंगुली की स्पर्श होता है वहां सजगता बनी रहती है। ये आज्ञा चक्र में सजगता, सजगता और क्रोध का चक्र है। तो जब यहाँ पर हम हाथ रखते हैं ऐसे तो ज़्यादा अटेंशन बनी रहती है, अवेयरनेस बना रहता है। इसलिए सहजता से बाएं नासिका से पहले सांस छोड़ते हैं, फिर बाएं से सांस लें और रोकें और दाहिने से छोड़ते हैं बाहर। फिर दाहिने से सांस लेते हैं, रोकें और बाएं से छोड़ते हैं। करते जाएं। शास्त्रोक्त विधि से ऐसे ही सांस प्राणायाम करते हैं। दाहिने से लेते हैं, फिर बाएं धीरे धीरे छोड़ते हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़ें, करते जाएं। और विश्राम करते हैं।